ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडोह के पास लगते डिओड में फोर लेन के काम से जमीन धस गई है और मोहनलाल के 5 कमरों के घर और 1 गौशाला को पूरी तरह से खतरा मंडरा गया है। पीड़ित परिवार मोहनलाल ने बताया कि घर की जमीन बैठ गई है और घरों में दरारें भी पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल से प्रशासन के पास NHAI के पास जा रहा हूँ और वे आश्वासन पर आश्वासन ही दे रहे हैं। पंडोह के पास लगते डिओड में फोर लेन के काम से जमीन धंस गई है और मोहनलाल के 5 कमरों के घर और 1 गौशाला को पूरी तरह से खतरा मंडरा गया है। पीड़ित परिवार मोहनलाल ने बताया कि घर की जमीन बैठ गई है और घरों में दरारें पड़ गई हैं। कंपनी के पास हम जब जाते हैं तो कंपनी के कुछ व्यक्ति आते हैं और उन दीवारों पर पैच लगाते हैं और फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। मोहनलाल ने कहा कि मेरा 5 कमरों का मकान है, अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उन्होंने कहा कि 1 साल से प्रशासन के पास NHAI के पास जा रहा हूं और वे आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। मोहनलाल ने कहा कि मेरे पास और कोई घर नहीं है और ना ही जगह है। अगर हमें या हमारे परिवार को कुछ हो जाता है तो इस पर प्रशासन और कंपनी ही जिम्मेदार होगी। यहाँ से गिर रहा है, इतना यहाँ खतरा है, रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है और 1 साल पहले से जा रहे हैं इनके पास, कंपनी वाले, एफकॉन वाले के पास, NHA वाले के पास, DC के पास, SDM के पास और पंडो शाहपुरी वाले के पास, और इनके पास भी जा जा के थक गए। और इन्होंने आना और मौका करना, पैसे लगाने और फोटो लेने, बस हो जाएगा आपका काम। और होना कुछ नहीं करते, कुछ नहीं है। फिर दूसरी बार फिर जाना, फिर आना इन्होंने, फिर भी फोटो फाटो लेने, फिर भी चले जाना और करना कुछ नहीं। और जैसे दरारें आती रही वैसे वो पैच लगाते रहते हैं, और पैच लगाने के बाद भी फिर एक शाम को पहले भारी बारिश होने से, कितनी भारी बारिश हुई, कभी भी घर जा सकता है, यहाँ तक पहुँच गया। देखो साथ अब जैसे भी, अब रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है, रहना भी कैसे रहते है इसी घर में।